नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप चिन बुलेटिन का। मुंबई में अपराधी अब बेखौफ हो चुके हैं। जी हां, ना कानून का डर ना पुलिस का। सरेआम गोलियां चलाई जाती है, सरेआम दहशत फैलाई जाती है। कांदिवली में आधी रात को हड़कंप मच गया जब दो बाइक सवारों ने आकर फायरिंग की। इस फायरिंग से सनसनी फैली हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मुंबई के कांदिवली पश्चिम लालजीपाड़ा इलाके में चार युवकों पर चार राउंड फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक की मृत्यु हुई है जबकि तीन युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिनको गोली लगा है और गोली मारने वाला सभी आसपास के रहने वाले लोग हैं। दोनों के बीच आपस में झगड़ा हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए कल रात में फायरिंग की गई। पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव ने भी यही बताया कि चार राउंड की फायरिंग हुई है और जिसमें तीन लोग घायल हो गए हैं। गोली मारने वाला और जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो सभी आसपास के इलाके के हैं और दही हांडी में हुए झगड़े के कारण फायरिंग का मामला सामने आया है। एक 12:15 के आसपास एक फोन आया कि कुछ तो फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला कि किसी एक शख्स ने तीन लोगों के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक अभी जो जानकारी मिली है कि एक आदमी बहुत सीरियस है और दो लोग बेहोश हैं। ऐसे तीन लोगों को गोलियां लगी हैं। यह जो हमें अभी जानकारी मिली है, सही क्या गलत क्या पता नहीं, लेकिन दही हंडी के समय आपस के झगड़े थे। आपस के झगड़े की वजह से यह जो कुछ हुआ है, यह कांड हुआ है। फायरिंग में घायल हुए युवकों के नाम अंकित यादव, अविनाश दाभोलकर, मनीष गुप्ता और प्रकाश नारायण बताया जा रहा है। डीसीपी विशाल ठाकुर का कहना है कि यह फायरिंग रात 12:15 के दरमियान हुई है और जिसमें दो लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और उसके बाद फायरिंग की इस घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि इस घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है जबकि तीन युवक जख्मी हैं। तीनों खतरे से बाहर हैं और प्राथमिकी जांच में चार राउंड फायरिंग होने की जानकारी मिली है। फिलहाल इस मामले में अभी भी आगे की जांच जारी है। 12:15 के दरमियान कांदिवली पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ है। उसमें दो लोग मोटरसाइकिल पे आके उन्होंने फायरिंग किया है। उसमें एक आदमी की मौत हो गई है और बाकी तीन लोग जो जख्मी है, वो बाकी तीन आउट ऑफ डेंजर है। बाकी आगे की तहकीकात चल रही है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। तो जहां आज से ऑटो टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं मुंबई करों को एक राहत भी मिली है। सिलेंडर सस्ता हो गया है। महंगाई से मिली आम आदमी को राहत, सिलेंडर के दाम हुए सस्ते। आजकल से महंगाई बढ़ने की खबर सुनाई देती है, लेकिन ऐसे में किसी चीज के दाम घटने की खबर सुनने मिल जाए तो काफी राहत मिलती है। जी हाँ, त्योहारों के सीजन में एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती हुई है। हालांकि गैस कंपनियों ने सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की है, वहीं घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में आम आदमी को सीधी राहत नहीं मिली है। हाँ, इसी कटौती से बाहर के खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार आज से हर 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं कोलकाता में ये 36 रुपए, मुंबई में 32 और चेन्नई में 35 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा की जाती है। समीक्षा करने के बाद गैस सिलेंडर के दामों को कम करने का फैसला लिया गया है। नए दर आज से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो 2023 तक मुंबई करों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की संभावना है। कोस्टल रोड परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी दिखा दी गई है। मुंबई करों को अब ट्रैफिक जाम से निजात पाने में और भी आसानी मिलेगी, क्योंकि मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब जॉगिंग पार्क और ट्रैक भी बनाए जा सकते हैं। दरअसल एक एनजीओ ने पर्यावरण के मुद्दे पर कोस्टल रोड से संबंधित सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं के निर्माण का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को रद्द किया और बीएमसी को बड़ी राहत मिली। बीएमसी कमिश्नर ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह निर्णय बहुत ही उत्साहजनक है। बीएमसी का मानना है कि वह ये परियोजना नवम्बर 2023 तक पूरा कर लेगी।
वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुंबई के हाजी अली के पास अंडरग्राउंड पार्किंग, ओपन स्पेस गार्डन, साइकिल और जॉगिंग ट्रैक, समुद्र किनारे सैरगाह और बटरफ्लाई पार्क बनाए जा सकते हैं। सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क नहीं बनाए जा सकते, सड़क निर्माण के साथ साथ अब इन सुविधाओं के निर्माण में आ रही बाधा भी दूर हो गई है। वहीं बीएमसी ने जानकारी दी है कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 14,000 करोड़ रुपए की है और इसे अगले साल नवंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुंबई में कोस्टल रोड बन जाने के बाद ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा मुंबई कर सुरक्षित, जल्दी और किफायती यात्रा पूरी कर सकेंगे, साथ ही एम्बुलेंस का भी सफर आसान होगा। अब तक इस परियोजना के काम को अच्छी गति मिली है और 58% काम पूरा हो चुका है। प्रिंसेस स्टेट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सीलिंग के दक्षिणी छोर तक कुल 10.58 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में 4+4 लेन की तटबंध सड़कें, पुल, एलिवेटेड सड़कें और सुरंगें शामिल है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ था और इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बन जाने से मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब आप लोकल ट्रेन की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं यात्री ऐप के जरिए। तो अब आप मुंबई के लोकल ट्रेन का लाइव लोकेशन जान सकेंगे। जी हाँ, मुंबई करों का ट्रेन में सफर और भी आसान होगा। यात्री ऐप के जरिए आप लोकल टिकट बुक कर सकते हैं और इसी के साथ आप लाइव लोकेशन भी अपनी लोकल ट्रेन की देख सकेंगे। दरअसल यात्री ऐप को यूटीएस लिंक के प्रोविजन के साथ अपडेट किया गया है, जो सीधे यूटीएस ऐप से जुड़ा है। इस सुविधा से मेन लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन और बेलापुर नेरुल खरकोपर लाइन के लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए ये सेवा उपलब्ध होगी और वो अपनी लोकल ट्रेन का लाइव लोकेशन देख सकेंगे। इस मामले पर बात करते हुए एक सीआर अधिकारी कहते हैं कि इससे पहले 13 जुलाई को सेंट्रल रेलवे ने ट्रेनों के लाइव लोकेशन प्रदान करने के लिए जीपीएस फीचर जारी किया था, जिससे उपनगरीय यात्रियों को बेहतर तरीके से अपनी यात्रा की योजना बनाने में सक्षम बनाया गया था। यात्री ऐप का लाइव लोकेशन ट्रैकिंग कंपोनेंट यूजर्स को मैप पर किसी भी ट्रेन के लाइव लोकेशन को देखने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें वो देख पाएंगे कि उनकी लोकल ट्रेन इस वक्त कहाँ है। आपको बता दें कि सभी सीआर पर जीपीएस डिवाइस स्थापित हो गए हैं। इन्हें उपनगरीय रेल और लोकल ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। सितंबर के मध्य से यात्री आपको सिक्योरिटी और परिवार और दोस्तों के साथ लाइव लोकेशन शेयर करने की प्रोविजन के साथ अपडेट किया गया था। लोग शेयर लिंक पर क्लिक करके करंट लोकेशन चेक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज देश ने टेक्नोलॉजी के नए युग में कदम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G को लॉन्च किया है। ऐसे में आइए जानते हैं 5G को लेकर क्या कुछ है खास। 5G के रिचार्ज में कितना खर्च होगा, सस्ता होगा या महंगा होगा, जियो के प्लान्स कैसे होंगे, ऐसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे। इसी का जवाब हम जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही कई शहरों में आज से 5G सर्विस मिलने भी लगेगी। भले ही देश के सभी शहरों में 5G आज से ना मिले, लेकिन अगले साल के अंत तक इस सर्विस को पैन इंडिया लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि देश के कोने कोने में 5G सर्विस मिलने लगेगी। सवाल ये है कि इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। किसी भी कंपनी ने अपने 5G डेटा या 5G रिचार्ज प्लान की जानकारी नहीं दी है। हालांकि रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत में जियो सस्ती 5G सर्विस लेकर आएगा। उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G लॉन्च के वक्त कहा, भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा, मैं दिसंबर 2023 तक हमारे देश के हर शहर, हर तालुका और हर तहसील में 5G पहुंचाने की जियो की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं। जियो की अधिकांश 5G टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत की मुहर इस पर लगी है। उन्होंने बताया, भारत में 5G का रोल आउट भारत के दूर संचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि आपको रिचार्ज के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, मगर टेलीकॉम कंपनियां लगातार 5G प्लान्स की कीमत को लेकर कह रही है कि ये 4G से महंगे होंगे। एक अनुमान के मुताबिक 5G की शुरुआती प्लान 500 रुपए प्रति महीने से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। दशहरा को लेकर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 4 और 5 अक्टूबर को मुंबई में भारी वाहनों के प्रवेश पर बंदी है। मुंबई में त्योहारों के चलते पुलिस द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को भी एक आदेश जारी कर 5 अक्टूबर की सुबह से
6 अक्टूबर की सुबह तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान यातायात सुचारू रूप से चल सके। हालांकि पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि इमरजेंसी सर्विसेज में लगे भारी वाहनों और दशहरा मेले के लिए लोगों को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि मुंबई शहर में देवी विसर्जन दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर 2022 को 8 बजे से दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तक ग्रेटर मुंबई में सड़क पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। हालांकि जरूरी वाहनों जैसे कि सब्जी वाहन, दूध, ब्रेड और बेकरी उत्पाद ले जाने वाले वाहन, पीने के पानी के टैंकर, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के टैंकर, एम्बुलेंस, सरकारी और अर्ध सरकारी वाहन, स्कूल बसें और दशहरा रैली के लिए लोगों को ले जाने वाले वाहनों, बसों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। बता दें कि ये आदेश डीसीपी यातायात मुंबई राज तिलक रोशन द्वारा बॉम्बे मोटर अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तुनाड़ा के ट्विन टावर की तरह पुणे का चांदनी चौक पुल भी गिराया जाएगा। आधी रात से इसका काम शुरू कर दिया गया। नोएडा के ट्विन टावर के साथ जो हुआ वही पुणे के चांदनी चौक ब्रिज के साथ दोहराया जाएगा। 5 सेकंड लगेंगे सिर्फ पुल को विस्फोटकों से उड़ा दिया जाएगा। इतने कम वक्त में पुल ढह कर मलबे का ढेर बन जाएगा। तकनीक वही इस्तेमाल में लाई जा रही है। इंजीनियर्स भी वही है जिन्होंने नोएडा के ट्विन टावर को 13 सेकंड में ढहा दिया था। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विस्फोटकों को फिट कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने 30 सितंबर की शाम पूरे इलाके का हवाई सर्वे भी कर लिया है। 2 अक्टूबर रविवार सुबह तक इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। शनिवार 1 अक्टूबर रात 11 बजे से ही ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के वाहन चालकों को शनिवार रात से वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सूचना पहले ही दे दी गई है। शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक इस रूट से यातायात बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोजाना मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।